गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 43 एप्स, और जल्द से जल्द अगर हो सके तो आप भी ये एप्स डिलीट कर दीजिए। पूरा मामला क्या है मैं आपको बता दूं कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 43 ऐसे ऐप्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के, जिन्हें की प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया गया है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, बहुत सारे रीजंस जो है वो गूगल ने बताए हैं, और मैं आप सभी को सभी रीजंस के बारे में बताऊंगी। तो पहला रीज़न ये है कि इन सभी ऐप्स में वायरस था, वहीं इन ऐप्स को 2.5 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया था, और एक सिक्योरिटी थ्रेट के चलते भी इन सभी ऐप्स को जो है वो प्ले स्टोर से हटाया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि 43 ऐप्स को, जिन ऐप्स को हटाया गया है वो ज़्यादातर मीडिया स्ट्रीमिंग से बिलोंग करते थे, और बैंकिंग फ्रॉड में भी ये ऐप्स जो हैं वो हेल्प कर सकते थे। वहीं गूगल प्ले डेवलपर पॉलिसी का उल्लंघन करने के आरोप भी इन 43 ऐप्स पर है। फ़ोन की स्क्रीन बंद होने के बाद भी ये विज्ञापन दिखा रहे थे, वहीं इन विज्ञापन के दिखाने की वजह से जो है वो फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती थी और यूज़र्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं ज़्यादातर ऐप्स, जैसे मैंने बताया कि मीडिया स्ट्रीमिंग के फील्ड से थे, वहीं फ्रॉड गतिविधियों में शामिल होने के भी जो आरोप है इन 43 ऐप्स में से कुछ ऐप्स में से हैं। और इन ऐप्स की वजह से मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ऐप्स की वजह से फ़ोन को दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता था, यानी अगर आप बहुत दूर बैठे हो, इन ऐप्स की वजह से आप किसी और के फ़ोन को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और किसी और का फ़ोन आप बहुत दूर बैठे हुए जगह पर यूज़ कर सकते हैं। वहीं बैंकिंग के फ्रॉड्स, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, साइबर फ्रॉड्स हो, साइबर क्राइम्स हो, या फिर बैंकिंग के फ्रॉड्स जहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहीं ये जो 43 ऐप्स थे, इन ऐप्स की वजह से भी कहीं ना कहीं जो बैंकिंग फ्रॉड्स हैं उन्हें बढ़ावा मिल रहा था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सवाल ये उठता है कि इन सबसे बचा कैसे जाए। तो इस सबसे बचने के तरीके भी जो हैं वो गूगल ने सामने लाए हैं। आपको बता दें कि अगर आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, साइबर फ्रॉड से या फिर बैंकिंग फ्रॉड से बचना है, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका फ़ोन कोई ट्रैक ना करें, आपका फ़ोन कोई और यूज़ ना करे, आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो वैसे की वैसी रहे और अच्छी रहे, फिर आपको ये करना होगा कि आपको ये जो ऐप्स हैं अपने फ़ोन से डिलीट करने होंगे। और वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन जो है, आपके फ़ोन की स्क्रीन बार बार ऑन हो रही है किसी एक पर्टिकुलर ऐप की वजह से, तो अगर पॉसिबल है तो इस ऐप को आप डिलीट कर दीजिए। वहीं एक और बात जो है वो गूगल ने सामने रखी है कि अगर ऐसे कुछ ऐप्स आपके पास हैं कि ये 43 ऐप्स के रिलेटेड अगर कोई ऐप्स आपके फ़ोन में है तो उन्हें जल्द डिलीट कीजिए। वहीं कोई और नई ऐप डाउनलोड करने से पहले आप इन ऐप्स के रिव्यूज़ ज़रूर देख लीजिए।